दोस्तों हम आपको दुनिया के सबसे बड़े और आलिशान जहाजों की लिस्ट तो दिखा चुके हैं, जो इतने बड़े होते हैं कि उनमें एक छोटे शहर को भी आसानी से बसाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी जहाज मौजूद हैं जो लोगों की समुद्री सैर के लिए तो नहीं बने, लेकिन लाखों टन सामान को बड़ी ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का ये काम करते हैं। ये जहाज इतने विशालकाय हैं कि एक बार में हजारों नहीं लाखों टन सामान को भी कैरी कर सकते हैं। आज दुनिया भर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जलमार्ग दूसरे सभी ट्रांसपोर्टेशन के तरीकों से सस्ता है, इसीलिए तो हर साल समुद्र में इन विशालकाय जहाजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं दुनिया के 10 सबसे बड़े कार्गो शिप्स के बारे में। नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिकल लैंड की इस अमेजिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया के 10 सबसे बड़े कार्गो शिप्स की हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है एमएससी डायना। इस विशालकाय जहाज को 2016 में सैमसंग शिप बिल्डिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में ये जहाज लिबेरियन फ्लैग के नीचे काम करता है। करीब 400 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े इस जहाज का वजन 1,97,708 टन है। एमएससी डायना पेगासस श्रेणी का कंटेनर जहाज है। 19,462 टीईयू है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि टीईयू यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट कार्गो कैपेसिटी मापने की यूनिट है, जिसका इस्तेमाल अक्सर कंटेनर जहाजों और कंटेनर टर्मिनलों की कैपेसिटी मापने के लिए किया जाता है। इस शिप को बनाने में करीब 10 अरब रुपए का खर्च आया था। नंबर 9 पर है एमवी बारजान। ये अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल DNVGL क्लास का है, और इस जहाज को 2015 में दक्षिण कोरिया के मॉपको में ह्यूंडई हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा बनाया गया था। 2015 तक दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज का खिताब एमवी बारजान के नाम ही था। वर्तमान में ये जहाज संयुक्त अरब शिपिंग कंपनी के अंडर में है। 1,99,744 टन वजनी ये जहाज 1,95,636 टन भार ढोने में सक्षम है। साइज की बात करें तो ये 400 मीटर लंबा और 58.6 मीटर चौड़ा है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मास्क ट्रिपल ई क्लास कंटेनर जहाजों की तुलना में काफी कम कार्बन का उत्सर्जन करता है। वहीं बात करें इसकी कीमत की तो इस जहाज को बनाने में करीब 13 अरब रुपए का खर्चा आया था। नंबर 8 पर है कॉस्को शिपिंग टॉरस। हांगकांग के पिनव्हील्ड फ्लैग को सर पे लगाए ये है विशालकाय टॉरस। इस जहाज को 2018 में वॉकियो शिप बिल्डिंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। कॉस्को शिपिंग टॉरस की लंबाई 399.8 मीटर और चौड़ाई 58.7 मीटर है। इस जहाज को चाइना ओशन शिपिंग लिमिटेड या फिर कॉस्को शिपिंग कंपनी ऑपरेट करती है। ये DNVGL क्लास की 5 सिस्टर शिप्स में से एक है। 2,18,68 टन वजन वाले इस जहाज की कंटेनर कैपेसिटी 20,119 टीईयू है। बात करें इसकी कीमत की तो इस जहाज की कंस्ट्रक्शन में करीब 13 अरब रुपए का खर्च आया था। अब नंबर 7 पर है MOL ट्रायम्फ। MOL ट्रायम्फ दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कंटेनर शिप है। इसे जापानी शिपिंग ऑपरेटर मित्सुई ओएसके के लिए दक्षिण कोरिया के जियोजे में सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज ने मार्च 2017 में बनाया था। 400 मीटर लंबा और 58.8 मीटर चौड़ा ये शिप दुनिया का पहला 20,000 TEU कैटेगरी का कंटेनर शिप है। ट्रायम्फ का मुख्य इंजन मैन बी और WG95ME है, जो इसे 82,440 किलोवाट की अधिकतम आउटपुट पावर प्रदान करता है। MOL ट्रायम्फ का डेड वेट 1,92,672 DWT है, जबकि इसकी अधिकतम कार्गो कैपेसिटी 20,100 TEU है। इस जहाज में लो फ्रिक्शन अंडर वाटर पेंट, हाई एफिशिएंसी रडर और इम्प्रोवाइज प्रोपेलर जैसी अत्याधुनिक एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजीज फिटेड हैं, जो इसे पानी के प्रतिरोध को कम करने और ईंधन को बचाने में भी मदद करती हैं। इस जहाज को बनाने में करीब 12.7 अरब रुपए का खर्च आया था। नंबर 6 पर है MOL ट्रुथ। ये जहाज जापान के प्रसिद्ध ओशन नेटवर्क एक्सप्रेस वन ग्रुप द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 400 मीटर लंबा और 58.5 मीटर चौड़ा विशाल आकार वाले इस जहाज का निर्माण इमाबरी शिप बिल्डिंग कंपनी द्वारा किया गया था। 1,79,766 मेट्रिक टन के डेड वेट वाले इस जहाज की लोडिंग कैपेसिटी 20,182 TEU है। ये एशिया उत्तरी यूरोप व्यापार मार्ग में बेहद कारगर साबित हुआ है। MOL ट्रायम्फ की तरह ही इस जहाज में भी कई एडवांस टेक्नोलॉजीज फिटेड हैं, जैसे कि लो फ्रिक्शन हल पेंट, एक हाई एफिशिएंसी प्रोपेलर PBCF, एक हाई एफिशिएंसी इंजन प्लांट और ऑप्टिमाइज्ड हल शेप, जो इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के साथ साथ ईंधन की बचत भी करता है। ये दूसरे जहाजों के मुकाबले 30% तक कम CO2 गैस का उत्सर्जन करता है। इस जहाज की कुल लागत 12.5 अरब रुपए आई थी।
नंबर 5 पर है एवर गोल्डन। ये जहाज 4 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा लंबा है। 2,18,000 मेट्रिक टन के वजन वाला ये अविश्वसनीय विशालकाय मालवाहक जहाज 400 मीटर लंबा और 58.8 मीटर चौड़ा है। इस जहाज को 2018 में इमाबारी शिप बिल्डिंग साइजो शिपयार्ड द्वारा बनाया गया था। इमाबारी शिप बिल्डिंग द्वारा निर्मित ये पहला 20,000 TEU प्लस कैपेसिटी वाला कंटेनर जहाज है और इसे ताइवान के कार्गो शिपिंग कंपनी एवरग्रीन द्वारा संचालित किया जाता है। नंबर 4 पर है मैड्रिड मायस्क। मैड्रिड मायस्क लॉन्च के समय सबसे बड़ा कंटेनर जहाज था और MOL ट्रायम्फ के बाद वे 20,000 TEU कार्गो कैपेसिटी को पार करने वाला दूसरा कंटेनर जहाज है। ये मालवाहक जहाज सेकेंड जनरेशन के मायस्क ट्रिपली क्लास के 11 कंटेनर शिप्स में से पहला था जिसे डाइवू शिप बिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग ने बनाया था। इसकी लंबाई 399 मीटर और चौड़ाई 58.8 मीटर है। 1,92,672 मैट्रिक टन वजनी ये जहाज एक बार में 20,568 TEU बार ढो सकता है। डेनिश कंटेनर शिपिंग मेजर मायर्स लाइन्स इस अल्ट्रा बड़े कंटेनर का मालिक है, जबकि ये AP मॉलर मायर्स ग्रुप द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस जहाज को बनाने में करीब 15 अरब रुपए खर्च हुए थे। और दोस्तों अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब पेश करने जा रहे हैं दुनिया के 3 सबसे बड़े कार्गो शिप्स। नंबर 3 पर है CMA AGM एंटोइन दी सेंट एक्जुपेरी। इस विशालकाय जहाज का नाम फ्रांसीसी लेखक और एविएटर एंटोनी दी सेंट एक्जुपेरी के नाम पर रखा गया था। इसका निर्माण हंजिन हेवी इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन फिलीपींस द्वारा किया गया है। इसकी क्षमता 20,954 TEU है, जो इसे फ्रांसीसी फ्लैग के तहत संचालित सबसे बड़ा कंटेनर जहाज बनाती है। ये 400 मीटर लंबा और 59 मीटर चौड़ा है और इसका वजन 2,26,84 मैट्रिक टन है। इसे 2017 में लॉन्च किया गया था और फरवरी 2018 से ये फ्रेंच एशिया लाइन 1 यानी कि FAL-1 को सेवा दे रहा है, जो एशिया का उत्तरी यूरोप को जोड़ने वाला सबसे लंबा समुद्री मार्ग है। ये एक पर्यावरण के अनुकूल पोत है, जिसमें एक नए जनरेशन के इंजन के साथ साथ एक बेकर ट्विस्टेड फिन लगा हुआ है, जो फ्यूल की खपत के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन को कम करने में भी काफी मददगार साबित होता है। कीमत की बात करें तो इस जहाज को बनाने में लगभग 16 अरब रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है कॉस्को शिपिंग यूनिवर्स। 21,237 TEU की कार्गो कैपेसिटी वाला ये विशालकाय जहाज चीन का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है। इसकी लंबाई 400 मीटर है और ये 58.6 मीटर चौड़ा है। इसे चीनी स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन द्वारा 2018 में बनाया गया था, जिसके बाद इसे चाइना ओशन शिपिंग कंपनी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया। बेहतर प्रदर्शन और ईंधन की कम खपत करने वाले इस जहाज को ABB टर्बोचार्जर से लैस किया गया है, जो इसे अधिकतम गति प्रदान करने में मदद करता है। ये हांगकांग के झंडे के तहत काम करता है और चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अब नंबर 1 पर है OOCL हांगकांग। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो शिप OOCL हांगकांग है, जो फर्म ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर लाइंस द्वारा निर्मित इंजीनियरिंग की एक नायाब मिसाल है। 6G क्लास जहाजों की श्रृंखला का ये प्रमुख जहाज 21,000 TEU कार्गो कैपेसिटी को पार करने वाला पहला कार्गो जहाज था। सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज GOJ शिपयार्ड द्वारा निर्मित इसकी क्षमता 21,413 TEU है। 399.87 मीटर की लंबाई, 58.8 मीटर की चौड़ाई और 32.5 मीटर की गहराई के साथ ये अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा कंटेनर शिप है। इसे मई 2017 में लॉन्च किया गया था और हांगकांग फ्लैग के तहत चलने वाला ये जहाज पूर्वी एशिया से उत्तरी यूरोप तक व्यापार के लिए जाता है। और दोस्तों खास बात ये है कि ये अब तक का सबसे बड़ा जहाज ही नहीं, सबसे महंगा जहाज भी है। इस विशालकाय जहाज को बनाने में करीब 67 अरब रुपए खर्च हुए थे। खैर दोस्तों आज की ये सबसे बड़े कार्गो शिप्स की वीडियो में इतना ही। आज के इन शिप्स में से आपको कौन सा शिप सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमने दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप्स पर भी वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप ऊपर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है तो। दोस्तों अब हमें इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।